वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नैरेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है और मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो ये तीन चीज़ें कि आप मेमोरी, एक बैटल है मेमोरी वर्सेस फॉरगेटफुलनेस, वर्ड्स और आप वर्ड्स कैन हील एंड वर्ड्स कैन हर्ट, और फिर नैरेटिव्स और उनको सही. आप कितना भी प्रोपेगेंडा हो, आप दो पावर्स दैट बी, लेकिन आपको सबसे बड़ी जो चैलेंज जो है वो है कि आपको अपनी कहानी का स्क्रिप्ट राइटर खुद बनना पड़ेगा. आपको किसी और पे रिलाई करेंगे तो आपकी कहानी मस्क हो जाएगी, उसमें डिस्टॉर्शंस आ जाएंगी, और आप इस चैलेंज को कबूल कर लें और खुद अपनी स्टोरी कहें. जहाँ तक इस किताब का ताल्लुक है तो इसकी बुनियादी तौर पर बॉन, जर्मन शहर बॉन में पड़ी, जब मैं दरियाए किनारे राइन पे चल रहा था. और उन्हीं दिनों यहाँ 2008 के प्रोटेस्ट हो रहे थे और फिर 2010 भी हुआ. तो ये दो ऐसे वाकयात थे कि जब मैं कश्मीर से बाहर था और कश्मीर में बहुत सारी खून रेजी हो रही थी, और इसने मुझे बहुत एक धचका दिया कि मैं इतने 7000 मील दूर हूँ कश्मीर से और कश्मीर में लोग मर रहे हैं. और मर कौन रहा है? ये हमारी यंग जनरेशन, चौथी जनरेशन, और उसमें छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, 9th क्लास के, जैसे तुफैल मत्तू का आपने सुना होगा, वामिक फारूक थे, जहाइद, इस तरह के लड़के थे. या तो हम कश्मीर के बारे में जो भी सुनते हैं या तो वो फॉरेन ट्रैवलर्स जो बैरूनी ममालिक से आते हैं. तो मैंने भी जब कश्मीर पर रिसर्च किया तो सबसे पहले एलिस्टर लैम को पढ़ा, विक्टोरिया स्कोफील्ड को पढ़ा, इस तरह एंड्रयू व्हाइटहेड को पढ़ा. तो फिर या तो इंडियन स्टेट के नैरेटिव थे और या तो पाकिस्तानी स्टेट के नैरेटिव थे. तो कश्मीर नैरेटिव बहुत मिस हो रहा था, और ख़ासकर अंग्रेज़ी ज़बान में. मैं कश्मीरी ज़बान में है, बहुत सारा लिटरेचर है, उर्दू में भी है, लेकिन 90s के बाद जिस तरह बशारत पीर की पहले कर्फ्यू नाइट आई थी, मिर्ज़ा वहीद साहब ने 2-3 किताबें लिखी, नॉवल्स थी, तो मैं नॉवल नहीं लिखना चाहता था. मैं कश्मीरियों को उनकी कहानी नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि हम सब जानते हैं, चाहे एक दुकानदार हो, कोई जो विमेन प्रोटेस्ट में हो, औरतें हों, बच्चे हों, बूढ़े, उन सबको पता हमारे साथ क्या हो रहा है और कितने बरसों से हो रहा है. तो ये किताब दरअसल उनके लिए नहीं है, ये कश्मीर के बाहर जो ऑडियंस है, जो इंडिया में, हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है या पूरे दुनिया में है, उनके लिए एक नेटिव कश्मीरी की तरफ से एक कश्मीर की स्टोरी जो हम खुद बताना चाह रहे हैं. बस क्योंकि ये बहुत ही रेफरेंस्ड बुक है, मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, मेरी जितनी भी इसमें स्टोरीज हैं, बेसिकली आई एक्ट एज अ कॉन्ड्यूट कि मैं आपकी कहानी बता रहा हूँ, इनकी कहानी बता रहा हूँ. मैंने कहने की कोशिश की है ये असल में जो बसने वाले लोग हैं यहाँ, बच्चों की, बुजुर्गों की, मोहम्मद अशखास की, औरतों की, सबकी कहानी है.